कोठारी ने क्यों दिया देवू स्मिता की माँ को क्रिसमस गिफ्ट, किया उन्हें प्रणाम। जी हाँ, आखिर क्यों नीलम कोठारी जो है वो लेकर आई हैं बहुत खास तोहफा देवू स्मिता की माँ के लिए। क्या पूरी डिटेल्स निकल कर सामने आ रही हैं, क्यों आखिर ये तोहफा उनकी माँ को यानी कि देवू स्मिता की माँ को देती हुई दिख रही हैं नीलम, पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे टीवी तमाशा की इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, जो कुछ भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं इंडियन आइडल 13 के सेट से वो हम आपके साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। क्यों आखिर देवू स्मिता की माँ के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई हैं नीलम कोठारी, पूरी डिटेल्स बताएं। उससे पहले अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स जो हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वेल, नीलम कोठारी जो इस हफ्ते स्पेशल गेस्ट बनकर नजर आने वाली हैं इंडियन आइडल 13 के सेट पर, यहाँ सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखेंगी वो, सभी की आवाज़ सुनेंगी और हो जाएंगी फिदा देवू स्मिता की आवाज़ पर। दरअसल वो ये भी मेंशन करेंगी कि मैं यहाँ आकर ही आपको नहीं सुन रही हूँ बल्कि पहले से आपको सुनती आई हूँ क्योंकि मैं इंडियन आइडल 13 को, इस सीज़न को, इस शो को फॉलो कर रही हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप कितना अच्छा गाती हैं और आपकी कहानी, आपकी हिम्मत बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। लेकिन आपसे ज़्यादा मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी, आपकी मम्मी की तारीफ़ करना चाहूँगी मैं, क्योंकि आपकी मम्मी ही आपका जज्बा है और वही आपको ताकत देती हैं, ये आप भी कई बार मेंशन कर चुकी हैं और ये दिखता भी है। तो ऐसे में आज यहाँ मैं लेकर आई हूँ एक ख़ास तोहफा आपकी मम्मी के लिए। जी हाँ, नीलम का एक ज्वेलरी ब्रांड है खुद का और उसी ब्रांड की एक ज्वेलरी वो देवू स्मिता की माँ को गिफ्ट करने वाली हैं, ऐसी खबरें निकलकर इंडियन आइडल 13 के सेट से सामने आ रही हैं। देवू स्मिता की माँ को प्रणाम करती हुई भी दिखेंगी नीलम और कहेंगी कि ये बहुत ख़ास तोहफा मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स जो हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो।